तो बच्चों जो है आज डे 20 है और आज टॉपिक हम लोग का सेकंड बुक इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू होता है और इसमें हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे ढेर सारे टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज नल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर चार्ज डेंसिटी डाइपोल टॉर्क ऑन डाइपोल वर्क डन ऑन डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ये सारे हमारे पास टॉपिक्स हैं। हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब इलेक्ट्रो का मतलब हो जाएगा चार्ज और स्टैटिक का मतलब हो गया रुका हुआ। स्टडी ऑफ द चार्ज व्हेन इट इज एट रेस्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बात आती है इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज होती है? कहेंगे ऐसी कोई भी चीज जो कि हमेशा ट्रांसफरेबल उसको नाम देते हैं चार्ज। अगर ये इलेक्ट्रो से रिलेटेड है तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, हीट से रिलेटेड है थर्मल चार्ज है, पानी से रिलेटेड है हाइड्रो चार्ज। तो चार्ज के लिए ये कहना कि साहब जो है सिर्फ इलेक्ट्रो का होता है नहीं, ठीक है। इसका सिंबल बच्चों क्यू होता है, यूनिट इसका कूलाम होता है और इसका डायमेंशन 80 होता है और इसका नेचर स्केलर। ये इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात हो रही है। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चार्जेस हमेशा कंजर्व फिजिकल क्वांटिटी होती है, नॉट ओनली पॉजिटिव और नॉट ओनली नेगेटिव, रादर इट इज चार्ज। अगली बात आएगी चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, यानी कि चार्ज जो किसी बॉडी पे आएगा वो हमेशा इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई आएगा और जहां पे n की वैल्यू 0, 1, 2 से शुरुआत होगी और जहां पे e की वैल्यू प्लस माइनस 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, फंडामेंटल चार्ज है जो कि इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे पाया जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का नेचर एडिटिव होता है, यानी कि अगर दो इलेक्ट्रॉन हैं, दो प्रोटॉन हैं किसी थैले में किसी बॉक्स में रखे हैं तो टोटल चार्ज 4 यूनिट हो जाएगा। इसी से लगी हुई बात हम लोग के पास बच्चों आती है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का सिंपल सा कहना है कि अगर दो चार्जेस हैं रेस्ट में रखे हैं और ये वैक्यूम में हैं, ये आर हो गया, इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है will be directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of the distance between them, F proportional to Q1 Q2 upon R square। और यहाँ पे एक constant लगाना पड़ेगा तो ये हो जाएगा F बराबर 1 upon 4 pi epsilon naught K Q1 Q2 upon R square, यहाँ पे K को कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट और ये वैल्यू होती है 0 फॉर परफेक्ट इंसुलेटर और इनफाइनाइट होता है फॉर मेटल्स। यहाँ पे मेटल एल्यूमिनियम है या कॉपर है या आयरन है कोई फर्क नहीं पड़ता, मेटल है तो उसके इनफाइनाइट। अब साइलेंट नॉट को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम होता है और वैक्यूम का मतलब वो जगह जहां पे प्रेशर की वैल्यू जीरो है। अगर ये अब साइलेंट है तो ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम होगा। और एक बात ध्यान देने वाली है कि अब साइलेंट बराबर अब साइलेंट नॉट के होता है, जहां पे k बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन r कह सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी हो जाता है। तो इस तरह से बात हम लोगों की जो चल रही है वो है कांस्टेंट की आ गई है 1/4πε₀k। k की वैल्यू मैंने कहा 1 हो जाएगी फॉर एयर और फॉर वैक्यूम। 1/4πε₀ की वैल्यू होती है
9.0 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻¹² कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये बात हुई कूलम्स लॉ की, और कूलम्स लॉ का ये स्केलर फॉर्म है, ये स्केलर फॉर्म कहा जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 1/4πε₀ k Q1 Q2 r² यहाँ पे r कैप से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैंने इसको डायरेक्शन की प्रॉपर्टी देना शुरू कर दिया है। तो ये 1/4πε₀ k Q1 Q2, और जानते हैं आप ये वेक्टर r/modulus r हो जाएगा, तो नीचे r³ और ऊपर वेक्टर r हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों आपका वेक्टर फॉर्म। एक और बात करनी थी आपसे यहाँ पे, बहुत इम्पॉर्टेंट बात, वो ये है कि अगर ये दो चार्जेस हैं, बीच में इनके एयर भरा हुआ है, तो F बराबर फॉर्मूला आ जाएगा 1/4πε₀ q₁ q₂ r² पूरे में अगर K भर दिया जाए, डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए, तो ये ऐसा हो जाएगा। और अगर कोई कहे कि मैंने ऐसे रख दिया है, इस तरीके से रख दिया है, ये R1 दूरी है, ये K1 है, R2 है, K2 है, R3 है, K3 है, इस तरीके से अगर रख दिया है, अब कूलम्स लॉ कैसे लगाओगे? कहेंगे इस वाले तरीके को लिखने का एक विशेष अंदाज देखिए, 1/4πε₀ q₁ q₂ r√k का होल स्क्वायर। F बराबर हो जाएगा 1/4πε₀ q₁ q₂, यानी कि डिस्टेंस अंडर रूट में k, जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो ये r₁ अंडर रूट k₁ प्लस r₂ अंडर रूट k₂ प्लस r₃ अंडर रूट k₃ का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये कूलम्स लॉ। पार्शियली फिल्ड या डिफरेंट टाइप के डाइलेक्ट्रिक से जब भरा हुआ है, तब ये आइडिया यहाँ पे सेटल डाउन हो जाता है। और एक बात करनी थी कि कूलम्स लॉ इन ए प्लेन की बात करेंगे, यानी कि ऐसे अगर रखा गया है, ये एक्स है, वाई है, ये q₁ है, ये रेडियस वेक्टर पोजिशन वेक्टर r₁ है, q₂ है, ये पोजिशन वेक्टर r₂ है, ये r₁ है, तो यहाँ पे r₁ अगर आप वेक्टर वाले वीडियो को देखेंगे, तो लॉ ऑफ ट्रायंगल लगाने का तरीका मैंने वहां पे सिखा के रखा हुआ है, ये r₂ − r₁ हो जाएगा, और F बराबर 1/4πε₀ q₁ q₂ r₂ − r₁ का होल क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे वेक्टर r₂ − r₁ हो जाएगा। ये बात हो गई हमारे पास कूलम्स लॉ फॉर द चार्जेस प्लेस्ड इन ए प्लेन। अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज होती है? कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई अ टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाई अ टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड, या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा ये। और हाँ, अगर कई सारी फील्ड आ रही हैं, उनको निकालना है, तो यहाँ पे वेक्टोरियली जोड़ना होगा, ये आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हो जाएगा। अगर यहाँ पे कहा जाए कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट चार्ज की वजह से, तो ये चार्ज क्यू हो गया। और हाँ, ये जो क्यू नॉट है, इसको मैंने नाम दिया था टेस्ट चार्ज का। ये यूजुअली पॉजिटिव होता है, और इसका मैग्नीट्यूड बहुत 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 छोटा होता है, वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड। अगर इस चार्ज से r दूरी पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें निकालना पड़ेगा फोर्स की वैल्यू 1/4πε₀ q q नॉट अपॉन r स्क्वायर,
क्यू नॉट को नीचे ले आए अगर हम, तो एफ अपॉन क्यू नॉट बराबर ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की बात है। यहीं पे हम आपसे जो है एक नल पॉइंट के बारे में भी बात करेंगे जो यहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई है। ऐसा एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, नल पॉइंट है, ऐसा एक सिस्टम ऑफ चार्ज है जहां पे दो चार्जेस रखे हुए हैं Q1 और Q2, बीच की दूरी है इनके r। अगर ये दोनों लाइक चार्जेस हैं या अनलाइक चार्ज जो भी है, तो एक ऐसा पॉइंट जरूर इनके सेंटर को मिलाने वाली लाइन पे होगा जिस पे अगर हम एक टेस्ट चार्ज लेके आए तो उस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। ऐसे पॉइंट को ही नाम देते हैं नल पॉइंट। अगर ये ऐसी पूरी एक लाइन मिल गई है तो ये नल एक्सिस है, अगर दो एक्सिस ऐसे मिल गई हैं तो ये नल प्लेन है, और तीनों एक्सिस पे अगर ऐसा हो रहा है तो ये नल स्पेस है। और एक बात, अगर लाइक चार्जेस हैं यानी कि दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो नल पॉइंट इनके बीच में पड़ेगा। अगर ये अनलाइक हैं तो या तो पहले वाले के लेफ्ट में या दूसरे वाले के राइट में पड़ेगा। और हाँ, जो हल्का चार्ज है उसके करीब होगा, यानी कि अगर ये 10 कूलाम है ये -2 कूलाम है तो यहीं पे पड़ने वाला है नल पॉइंट। x बराबर r अपॉन 1 माइनस अंडर रूट QL अपॉन QH ऐसा आ जाता है। यहाँ पे अगर ये अनलाइक चार्जेस हैं तो ये ऐसा हो जाएगा, लाइक चार्जेस हैं तो ऐसा हो जाएगा, और चाहे तो अनलाइक चार्जेस के लिए भी ऐसा लिख सकते हैं। QL का मतलब लाइटर मैग्नीट्यूड, QH का मतलब हैवियर मैग्नीट्यूड, R is the distance between two charges। और एक बात कि ये जो डिस्टेंस x निकल रही है नल पॉइंट की, ये हैवियर चार्ज से ही निकल रही है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की बात करनी थी। ऐसी लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसी लाइंस जो कि स्मूथ होती हैं और इमेजिनरी होती हैं और जिन पे खींचा गया टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो करता है, नाम देते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। पांच लाइनें, पांच पॉइंट्स इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखेंगे। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक जो लाइंस हैं वो आउटवर्ड निकलेंगी, नेगेटिव चार्ज से जो लाइंस हैं वो इनवर्ड होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज कहीं पे है तो इस पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिकल फोर्स वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, और माइनस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिकल फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। तो ये बातें यहाँ पे समझने वाली हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये होती हैं। यहाँ पे जो हमने यहाँ पे हेडिंग डाली हुई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये लाइंस की बात हो गई। और एक बात करनी थी चार्ज डेंसिटी की, तो चार्ज डेंसिटी कहा जाएगा यूनिफॉर्मली स्प्रेड चार्ज पर यूनिट डायमेंशन इज कॉल्ड एज चार्ज डेंसिटी। अगर ये बॉडी ऐसी है, ये तो ये वन डायमेंशन है। अगर ये बॉडी ऐसी है तो ये टू डायमेंशन है। अगर ये बॉडी ऐसी है तो ये थ्री डायमेंशनल है, थ्री डायमेंशनल है। ऐसे यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी है, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। इसको लैम्डा से, इसको सिग्मा से, इसको रो से शो करते हैं। यहाँ लैम्डा बराबर डी क्यू अपॉन डी एल हो जाएगा, सिग्मा बराबर डी क्यू अपॉन डी ए हो जाएगा,
और रो बराबर डी क्यू अपॉन डी बी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये है तीन तरीके की चार्ज डेंसिटी, कूलाम पर मीटर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर क्यूब, इनके यूनिट्स हो गए। ए टी एल माइनस वन, ए टी एल माइनस टू, ए टी एल माइनस थ्री, इसके डायमेंशंस। ये बात हुई हमारे पास चार्ज डेंसिटी के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे बच्चों देखेंगे एक बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब, हम लोगों ने ये बात ग्रेविटेशन में भी पढ़ी थी, सॉलिड और हॉलो, हॉलो और सॉलिड वाले से। कंडक्टिंग स्फीयर के केस में ध्यान रहे कि जब हम अंदर फील्ड तलाशते हैं तो चार्ज सरफेस पे होता है, जब बाहर तलाशते हैं तो चार्ज अंदर कंसंट्रेट माना जाता है। तो ये आर हो गया, क्यू हो गया, पी वन पॉइंट है स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, पी टू पॉइंट है स्मॉल आर इक्वल टू, पी थ्री पॉइंट है स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, आर कैपिटल आर इसकी रेडियस है। तो एट पी वन जब कहने गए तो कहेंगे भूल जाइए, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं है, क्योंकि अंदर तो चार्ज ही नहीं, तो चार्ज है कहाँ, कहेंगे सरफेस पे है भाई। एट पी टू कहा गया तो पी टू के लिए अब आप सरफेस पे पहुंच गए हो, तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और जब आप पी थ्री पे पहुंच गए, यहाँ पे स्मॉल आर लेस देन, यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे ग्रेटर, तो E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। और जब इसको ग्राफिकली हमें शो करना होगा तो ये X हो गया, Y हो गया, E हो गया, R हो गया, स्मॉल r बराबर ये लेस, ये ग्रेटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है, कहेंगे दिस इज द पार्ट ऑफ द ग्राफ। बाद में ये ऐसा है, दिस ग्राफ इज डिसकॉन्टिन्यूअस, ये ग्राफ टूटा हुआ ग्राफ है, इसलिए इसको डिसकॉन्टिन्यूअस कहते हैं। अगली बात हमें करनी है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में पूछा जाए, कहेंगे यहाँ पे अब की बार क्या होगा, कहेंगे जब आप यहाँ पे अंदर तलाशेंगे चार्ज तो आपको अंदर ही मिलेगा, कहेंगे मुझे इतने के लिए चार्ज चाहिए, कहेंगे आप कोशिश करते हैं तो कैसे निकलेगा, कहेंगे इसको हम नाम दे देते हैं, मान लेते हैं क्यू डैश। तो 4 बाई 3 पाई कैपिटल आर क्यूब वॉल्यूम के लिए चार्ज है Q, तो यूनिट वॉल्यूम के लिए Q अपॉन 4 बाई 3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और 4 बाई 3 पाई स्मॉल आर क्यूब के लिए ऐसा हो जाएगा, और ये Q डैश कहा गया। तो इन साइड की बात कर रहे हैं, तो इन साइड की बात करेंगे तो E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर, तो ये ऐसा हो गया, और अपॉन में आर स्क्वायर, तो E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब, और ये स्मॉल r हो गया, और E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r हो गया। तो हॉलो स्फीयर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। एट सरफेस अगर कहा गया तो सरफेस के लिए जब आप जा रहे हो तो आप स्मॉल r बराबर कैपिटल r की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्मॉल r की जगह पे कैपिटल r हो जाएगा, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन कैपिटल r स्क्वायर। और जब आप बाहर निकल गए हो, आउटसाइड निकल गए हो, तो अब तो कहानी ही बिल्कुल अलग हो गई। हम जब बाहर निकल गए तो चार्ज पहुंच गया सेंटर पे, इस डिस्टेंस स्मॉल r काउंट हो गई, और E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर हो गया। अब पूछा जाए क्या ग्राफ में कोई चेंज आएगा, कहेंगे बिल्कुल आएगा भाई चेंज, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अब अंदर जब तक के हम होते हैं तब तक के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये ऐसा ग्राफ है, E प्रोपोर्शनल टू R है, और ये E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। ये बात हुई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब हम लोग बात यहाँ पे करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डायपोल का कहना है
कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम है और उनका नेचर अपोजिट है और ये एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखे हुए हैं, तो ये डाइपोल का निर्माण कर रहे हैं, डाइपोल बना रहे हैं। सिर्फ इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं होता है, अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल ज्योग्राफिकल डाइपोल बनाते हैं, मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल ये मैग्नेटिक डाइपोल बनाते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल में मैंने कहा दो चार्जेस माइनस क्यू और प्लस क्यू, बीच के डिस्टेंस को 2L कहा गया, और इस एक चार्ज ले लें और दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन ले लें और मल्टीप्लाई कर दें, तो ध्यान रहे कि ये जो सेपरेशन लिया है ये शॉर्टेस्ट है, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी आपको मिली है, कूलाम इनटू मीटर इसका यूनिट हो गया और ATL इसका डायमेंशन हो गया। वेक्टर है तो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन याद रखेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ को इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की दिशा होती है। डाइपोल की दिशा और डाइपोल मूवमेंट की दिशा एक ही चीज होती है, यानी कि इस समय आपका डाइपोल जो रखा हुआ है वो पी आई कैप रखा है, क्योंकि माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ। अब बात आती है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। तो यूनिफॉर्म हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ली हुई है, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करेंगे, हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ली हुई है और टॉर्क की बात कहाँ से आएगी हमको ये देखना होगा। ये ई हो गया, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये ओ पॉइंट है, ये एल हो गया, ये एल हो गया, और ये फोर्स एफ बराबर क्यू ई हो गया, ये एफ बराबर क्यू ई हो गया, और ये थीटा एंगल हो गया, थीटा एंगल हो गया, ये ए बी और सी है, ये 2L है, ट्रायंगल ए सी बी में जब आप देखोगे तो साइन थीटा बराबर ए बी अपॉन ए सी आ जाएगा और ये ए बी अपॉन 2L हो जाएगा और ए बी बराबर 2L साइन थीटा हो जाएगा। इतना फोर्स आप देख रहे हो राइट में, इतना ही फोर्स लेफ्ट में, कपल बनने के लिए आपने सारी शर्तें फुलफिल कर दी और ये घूमने के लिए तैयार हो गया। टॉर्क निकालना है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्यू ई इनटू 2L साइन थीटा, तो ये 2QL हो गया पी और ये हो गया पी साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में अगर इसे निकालना है तो टॉर्क बराबर पी क्रॉस ई होगा, और ध्यान रहे टॉर्क परपेंडिकुलर पी के भी होगा, टॉर्क परपेंडिकुलर ई का भी होगा। जरा भी गड़बड़ लगे, जरा भी दिक्कत हो, जरूर जाकर के फिर से वेक्टर वाला वीडियो देखें ध्यान से। वेक्टर अगर कमजोर है कोई भी एग्जाम आपसे निकल पाना फिजिक्स के लिए लिहाज से मुश्किल होता है। टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू पी होगी तब जबकि साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी, थीटा 90 डिग्री होगा, और टॉर्क मिनिमम 0 हो जाएगा। तो ये हुई बात हमारे पास टॉर्क के लिए। और हाँ, टॉर्क जब होगा तो वहां पे वर्क डन भी हो सकता है, वर्क डन भी हो सकता है, वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो W बराबर, जरा वर्क पावर एनर्जी वाला वीडियो देखिएगा, फोर्स की मदद से वर्क निकालने के 5 तरीके बताए थे, यहाँ पे एक तरीका आ रहा है टॉर्क डी थीटा, थीटा 0 से थीटा, थीटा 0 से थीटा हो गया पी ए साइन थीटा, डी थीटा हो गया पी ए साइन थीटा का इंटीग्रेशन आया, क्या कहेंगे कि साइन थीटा का आ जाएगा इंटीग्रेशन, साइन थीटा का डिफरेंशियल होता है कॉस थीटा, इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, ये आ गया एस, और डब्लू बराबर हो गया पी ई कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा।
अगर डाइपोल इनिशियली पैरेलल टू द फील्ड है तो थीटा जीरो बराबर जीरो हो जाएगा, और डब्लू बराबर ये फॉर्मूला स्टूडेंट ज्यादा देखे हुए होता है, ज्यादा इसके लिए बहुत ज्यादा यूज टू होता है। डब्लू मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी 2p, और ये तब होगा जबकि थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी। थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी, डब्लू मिनिमम की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और ये तब है जबकि थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और ध्यान रहे, इसी को आप ट्वाइस ऑफ टॉर्क मैक्सिमम भी कह सकते हैं। तो ये वर्क डन की बात हो गई। और यहीं पे एक बात आपसे और कर लें, पी माइनस पी कॉस थीटा हो जाएगा, ये डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। यूई बराबर माइनस का पीई कॉस थीटा कर सकते हैं। इसी का वेक्टर फॉर्म निकालना हो तो माइनस का पी डॉट ई कर सकते हैं, ये बात आ जाएगी। और आज के लेक्चर की आखिरी चीज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। अगर हम इस पोजीशन पे चल रहे हैं तो ये एंड ऑन पोजीशन है, दिस इज कॉल्ड एज एंड ऑन पोजीशन। अगर इधर को चल रहे हैं तो ये ब्रॉड ऑन पोजीशन है, दिस इज कॉल्ड एज ब्रॉड ऑन पोजीशन। अगर हम इधर को चल रहे हैं, ये भी डिस्टेंस आर है, तो इसे कहते हैं ऑब्लिक पोजीशन, कहते हैं ऑब्लिक पोजीशन। ये थीटा हो गया, ये आर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहाँ ये एल और ये एल हो गया। ऑब्लिक पोजीशन में अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हमें सारी चीजें याद है। ई बराबर 1/4πε0 पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट में 3 cos² θ+1। एंड ऑन के लिए पूछा जाए, कहेंगे एंड ऑन के लिए थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और ई बराबर 1/4πε0 यहाँ जीरो रखोगे तो ये कॉ स्क्वायर जीरो वन हो जाएगा, इंटू 3 3+1 4 बाहर निकलेगा तो ये 2π/r³ हो जाएगा। और ब्रॉड ऑन पोजीशन पे अगर आपको पहुंचना है तो आपको इधर से इधर को चलना होगा, एंगल 90 डिग्री रखना होगा, और ये e बराबर आएगा 1/4πε0, ये कॉ स्क्वायर 90 जीरो हो गया, प्लस 1 हो गया, p/r³ हो गया। और एक बार मुद्दे की सीखेंगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑन पोजीशन में ट्वाइस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रॉड ऑन पोजीशन में। और हाँ, अगर इसकी हम वेक्टर साइन की बात करें तो ये 2 times तो होगा लेकिन साइन माइनस होगा। अब इसका भी कारण अच्छे से सीख लें। इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा एंड ऑन पोजीशन में पैरेलल टू द डाइपोल होता है, और ब्रॉड ऑन पोजीशन में एंटी पैरेलल टू द डाइपोल होता है। यानी कि अगर डाइपोल आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रखा है तो एंड ऑन पोजीशन पे फील्ड भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही जाएगी, लेकिन अगर हम ब्रॉड ऑन पोजीशन पे तलाश रहे हैं तो ये फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को जो है ये वीडियोस आपको फायदा कर रहे होंगे, यही इनका पर्पस है, मैं बार बार आप लोगों से कहता रहता हूँ, खूब इनका फायदा उठाएं। कोई भी सवाल हो, कोई भी समस्या हो, हमको बता सकते हैं कमेंट में आकर के, हमें कमेंट बॉक्स में आकर के हमको बता सकते हैं। आपको सही टाइम पे आपके ही अपने आईडी पे आपको उसका सलूशन मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।